हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का आखिरी टॉपिक। ठीक है ना बेटा, कुछ 40 मिनट का टॉपिक है, ये मुझे अभी खत्म करना है। मेरी तरफ देखना बाबू, मैंने ना दो टॉपिक लिखवा कर छोड़े हुए हैं एक जगह पर। जब हम डिमांड ऑफ फॉरेक्स और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स लिख रहे थे तो एक वर्ड आया था स्पेक्यूलेशन, हमने लिखा था और छोड़ दिया था। मैंने कहा था इसका टाइम आएगा बताऊंगा, आज ये भी टाइम आ चुका है। एक टॉपिक पढ़ना है मुझे आज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके टाइप्स और उसके फंक्शन। बस इतना मेरा पेंडिंग है आज। ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या चीज है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, और वह स्पेक्यूलेशन और स्पेक्यूलेशन। ठीक है जी बाबू, कुछ 40 मिनट का टॉपिक है, आप सामने देखना जरा। कुछ आज बहुत अलग और बहुत नया सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, बहुत सीखने को मिलेगा आज एक चीज। ठीक है जी, चलो सामने देख रहे हैं बेटा, मेरे साथ साथ अभी लिख रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लो बेटा, फटाफट से नोट डाउन करो। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना आप जरा, अब समझने का टाइम आ गया है। सर पक्का कुछ ऐसा सिखा के जाऊंगा दूर दूर तक ख्वाब में सुना नहीं होगा। ठीक है ना, और ये भी बता देता हूँ, स्कूल भी चले जाना और देख भी लेना एक बार हाल। ठीक है ना, कुछ चीज आज ऐसी आने वाली है जो सिर्फ सीए फाइनल में पढ़ाई जाती है, उससे पहले कोई लेवल नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो बेटा, वो नहीं समझा पाएगा कोई। एक मिनट के लिए सामने देखना। सर सबसे पहले मैंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की डेफिनेशन लिखी। अच्छा एक बात बताओ, पहले अगर मैं पूछूं आपसे नॉर्मल मार्केट क्या होती है, तो मार्केट क्या होती है, किस चीज को आप मार्केट बोलते हो? बेटा एक ऐसा प्लेस वेयर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर गेट द टुगेदर टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक है ना सर, मैं हर उस प्लेस को मार्केट बोल सकता हूं जहां बहुत सारे नंबर ऑफ बायर हो, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर हो, जिनका काम क्या हो, गुड्स और सर्विस खरीदना और बेचना। लेकिन ये बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, तो यहां बिकेगा क्या? सिर्फ एक ही चीज, फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स फॉरेन करेंसीज। ठीक है ना, लेकिन एक बात बोलता हूँ बेटा, जब मैं मार्केट बोलता हूं, डज इट मीन एक चार दीवारी? मार्केट का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कि एक चार दीवारी जरूर होगी जहां बायर और सेलर बैठे होंगे, ऐसे? सर नहीं, ये बात ना जितनी जल्दी समझ लो उतना आपके लिए अच्छा है। मार्केट का मतलब इट मे बी और मे नॉट बी, मार्केट का मतलब ये नहीं होता बेटा कोई फिजिकल लोकेशन 100% होगी। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। मार्केट मीन्स अ सिस्टम। मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहां फॉरेन करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। जरूरी नहीं है कोई चार दीवारी के अंदर ही खरीदी और बेची जाती हो, वो भी सकता हो, नहीं भी सकता। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूं ई कॉम मार्केट, ई कॉमर्स मार्केट,
उसकी कोई फिजिकल लोकेशन है? ई कॉमर्स पता है ना, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन फ्लिपकार्ट, सर फिजिकल लोकेशन है, जहां हम खरीदते और बेचते हैं उसकी कोई फिजिकल लोकेशन है? जहां हम खरीदते और बेचते हैं, अमेजॉन से मैं कुछ खरीद और बेच रहा हूं एक चार दीवारी में, नहीं। ई कॉमर्स मार्केट, सर मार्केट का मतलब बस ये नहीं होता कि एक चार दीवारी एक फिजिकल लोकेशन, मार्केट का मतलब होता है बेटा एक सिस्टम है जहां बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर हैं, बस इतनी सी बात। अच्छा एक मैं बात बोलता हूं, शेयर मार्केट सच में जहां मैं खरीद और बेच रहा हूं बेटा वो एक चार दीवारी के अंदर खरीद और बेच रहा हूं, सच में किसी को लगता है? किसी को लगता तो नहीं ना इस बात का, सर यहां बैठे बैठे ही खरीद सकता हूं, आपके सामने खरीदा भी था, यहां बैठे बैठे ही बेच सकता हूं, जरूरी है एक चार तिवारी के अंदर ही खरीदा और बेचना? नहीं बेटा, मार्केट मीन्स अ सिस्टम। क्या मैं क्लियर हूं? और इस बात को डाइजेस्ट कर जाना वरना अगले सारे फंक्शन में आप रायता फैलाने वाले हो, ठीक है ना जी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहां ह्यूज नंबर ऑफ बायर हैं, ह्यूज नंबर ऑफ सेलर हैं, और आपस में क्या कर रहे हैं बेटा फॉरेन करेंसीज खरीद और बेच रहे हैं, ठीक है ना जी। और बेटा ये मार्केट दो ही तरीके की है, एक स्पॉट मार्केट और दूसरी फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है ना जी। सर स्पॉट मार्केट क्या होती है? स्पॉट मार्केट आज ही खरीदो, आज ही पैसे दे दो, आज ही बेचो, आज ही एक्सचेंज कर लो, यानी कि ट्रांजेक्शन टूडे सेटल्ड एट टूडे, अभी ट्रांजेक्शन होगी, अभी सेटलमेंट होगी। जैसे कि बेटा मैंने फॉरेन घूमने जाना है, आई नीड सिंगापुर डॉलर, तो मैंने क्या किया बेटा आज ही ट्रांजेक्शन करी, अभी बैंक में क्या अभी बोला मेरे को 1,00,000 सिंगापुर डॉलर चाहिए, अभी बेटा कैश दिया, अभी सिंगापुर डॉलर ले आया, ट्रांजेक्शन भी अभी करी, सेटल भी आज ही कर आया, ठीक है ना जी। और वहां से बचा के ले आया कुछ तो भाई मैं क्या, मैंने कहा अभी बेचने हैं, ट्रांजेक्शन भी अभी करी और बेच भी आया और नगद अपनी करेंसी INR भी ले आया आज ही। सर ये स्पॉट मार्केट में होता है काम कि ट्रांजेक्शन भी आज ही और सेटल भी आज ही। और फॉरवर्ड मार्केट क्या है? ट्रांजेक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। ट्रांजेक्शन तो आज करी लेकिन इसकी सेटलमेंट कब करूंगा? फ्यूचर में कभी करूंगा, ठीक है ना जी। सर अभी समझ में आएगी फॉरवर्ड मार्केट धीरे धीरे, अभी तो समझ डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा क्या चीज है ये, ठीक है ना। मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक फंक्शन बताऊंगा, हेजिंग फंक्शन, ठीक है ना बेटा। वहां फॉरवर्ड मार्केट भी क्लियर हो जाएगा, हेजिंग भी क्लियर हो जाएगा, और वो जो डिमांड और सप्लाई में मैंने स्पेक्यूलेशन वर्ड बताया वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। समझने की कोशिश करते हैं। और सर मैं बता रहा हूं अकेले 40 में से 20 मिनट मुझे उसी बात पे लगाने, ठीक है ना, और वही टॉपिक सीए फाइनल का है बेटा। वरना आपको बता देता हूं, एक काम कर लो, अच्छे खासे चार लाइनें दी हुई हैं, एक बार पढ़ लेना बुक में से, अगर कुछ समझ आ जाए तो मुझे भी समझा देना, बुक में से कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है जी। बहुत आराम से फंक्शंस पढ़ेंगे बेटा, कोई भी अभी कुछ लिख नहीं रहा ना मैं कुछ लिखवा रहा हूं, आप सिर्फ सामने देख रहे हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, तीन फंक्शन है मेरे पास, टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तीन फंक्शन है, हेजिंग फंक्शन, फ्यूचर फंक्शन एंड क्रेडिट फंक्शन। पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा हेजिंग फंक्शन की। अब ये क्या चीज होती है? हेज करना समझते हो बेटा? कोई मतलब समझता है हेज करने का? व्हाट डू यू मीन बाय हेज? हेजिंग का बेसिकली मींस होता है बेटा प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अपने आप को एक डर से बचाने के लिए आप जो काम करते हो उसको हम हेजिंग बोलते हैं, ठीक है जी। बाबू आप एक इंपोर्टर हो, ठीक है ना, और आपने क्या कर रखा है बेटा, 1,00,000 डॉलर के गुड्स आज इंपोर्ट कर रहे हो, आज डेट है बेटा 1st of April, ठीक है ना जी। बहुत आराम से सुनना सर, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा हेजिंग कैसे होती है, यूजिंग द स्पॉट मार्केट एंड यूजिंग द फॉरवर्ड मार्केट, कैसे हम अपने आप को बचाते हैं, कैसे इंपोर्टर अपने आप को बचाता है। तो भाई उसने आज $1,00,000 का गुड्स इंपोर्ट करा, उस पर्सन के इंपोर्टर के जो इंडिया का रेजिडेंट है और एक्सपोर्टर जो USA का रेजिडेंट है आपस में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ठीक चलते हैं, अरबों रुपए का व्यापार है हर साल का, ठीक है ना जी। तो इस इंपोर्टर ने बोला कि सर मैं आपको पे तो कर दूंगा पर मैं पे करूंगा 15 मई को, मुझे 45 दिन चाहिए। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप 45 दिन बाद पे कर देना। आज $1 का दाम चल रहा है बेटा 70 रुपए, ठीक है ना। अच्छा इंपोर्टर को डर क्या लगेगा ये बताना,
दाम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? डर क्या लगेगा? हाँ? तुम क्या हो, गधे हो बिल्कुल। कम हो जाएगा ये डर लगेगा इंपोर्टर को, इंपोर्टर को तो फायदा नहीं होगा। अगर आज पेमेंट करेगा तो कैसे करेगा? 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब मिलेंगे $1,00,000। और कल को तुम कह रहे हो कम हो जाएगा, हो गया कम 65, तो उसको तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? तुम गधे हो क्या? सोचते क्यों नहीं हो? डर क्या लगेगा इंपोर्टर को दाम बढ़ ना जाए, क्योंकि उसको $1,00,000 पे करने हैं। ठीक है ना जी? अब मैं बताता हूं, ये इंपोर्टर बाऊजी पहुंच गए फॉरवर्ड मार्केट में। इसने कहा सर $1.70 का चल रहा है, मैं आज ही ट्रांजैक्शन करता हूं आपसे, लेकिन सेटल करूंगा 15 मई को। ट्रांजैक्शन ये है, मैंने $1,00,000 बाय करे, आज ही बाय करे। ट्रांजैक्शन टुडे, सेटल कब होंगे? एट द फ्यूचर डेट। सेटल मेरे लिए हिसाब से होंगे 15 मई को। इसने बोला मैंने बाय करे आज, ट्रांजैक्शन करी। तो बाबू ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या लगता है बेटा? ट्रांजैक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। ठीक है जी? एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया आपके बीच में और फॉरवर्ड मार्केट के बीच में, जहां आपने कहा कि मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं $1,00,000 फ्यूचर में बाय करूंगा 15 मई को। तो बेटा और आपको बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट बिना एडवांस के नहीं होता, बिना पैसे के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है ना? और ये जो इंपोर्टर था इसने कहा ठीक है आप मुझसे एडवांस ले लो, इस एडवांस को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, ₹50,000 ये लो एडवांस। कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया कि फॉरवर्ड मार्केट और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 15 मई को आएगा ये $1,00,000 बाय कर देगा बचे हुए पैसे देकर, ₹50,000 एडवांस आ गया, दोनों के साइन हो गए। ठीक है ना जी? एज एक्सपेक्टेड वही हुआ जिसका डर था। 15 मई को $1 का दाम ₹75 पहुंच गया। सर क्या इंपोर्टर को कोई दिक्कत है? क्यों? फटाफट बोलो क्यों? ट्रांजैक्शन कर चुका है, सेटल आज करनी है। ये क्या करेगा? 70 का भाव तय करके आया था, इसने क्या करना है? 69,50,000 69,50,000 देने, $1,00,000 मिलेंगे उसी दाम पर जो ये फिक्स करके आया था। आपको नहीं लगता ये कोई नई चीज थोड़ी है? आपको लग रहा है नई चीज है, ये कोई नई चीज थोड़ी है। ज्वेलरी की दुकान पे और क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। एक इंसान के घर में शादी है अक्टूबर में, ठीक है ना, वो जून में गोल्ड बनवाने पहुंच गया, ठीक है ना जी। पूछा क्या दाम चल रहा है, उसने कहा 1 तोला गोल्ड 49,000 का चल रहा है। कह रहा लेकिन मुझे तो अक्टूबर में चाहिए ज्वेलरी। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, एडवांस दे के आज भाव तय कर लो। आपने कहा ये बड़े ₹1,00,000, ठीक है ना, मुझे 10 तोले 20 तोले 50 तोले जितना भी गोल्ड चाहिए इसी भाव पर होगा, 49,000 के भाव पर। लेकिन उठाने कब आऊंगा मैं? अक्टूबर में, बची हुई पेमेंट कर दूंगा आपको। ये डिजाइन है, सब कुछ फाइनल हो गया। सर और कैसे होता है? ऐसे ही नहीं होता, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? एक ज्वेलर्स की दुकान पर यही होता है ना बेटा, बता देगा तुम्हें अंश, ऐसे नहीं होता होगा कुछ? सर ऐसे ही लोग भाव तय करते हैं बेटा एडवांस देकर, तो सेम बात तो बोल रहा हूं मैं आपको। अब शकल शकल का फर्क है, तेरी शकल देखेगा तो उसे लगता है पूरे ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, उसे पता है भाग जाएगी किसी भी टाइम सोना लेकर। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, वैसे नहीं बीड़ी को तो देने ही पड़ते हैं यार गोल्ड। अच्छा बीड़ी को बीड़ी देनी पड़ती है, तो ठीक है। चलो जी बाबू, बात समझ में आई क्या आपको? लेकिन आपको क्या लगता है सच्ची में ये समझाना था? समझाना तो कुछ और था। दाम हो गया, तूने हार्दिक ने पूछा तो फिर मैंने कर लो बताई तुम्हें। स्पॉट मार्केट आज दाम चल रहा है स्पॉट मार्केट में ₹65, बता रहा हूं। अगर कोई ये हैजिंग ऐसे बता देगा ना मैं मान जाऊंगा उसको। ये फाइनल से पहले कहीं टॉपिक नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, पूरी जान लगा दे उसको समझने के लिए, ठीक है ना जी। इंपोर्टर हर हाल में सेफ रहेगा, आप घबराना नहीं, इसमें सेफ रहेगा। अब होगा क्या सर? $1 का दाम 65, आप तो भाई कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, साइन करके आए हो, मैं तो 70 पे लूंगा। आप कह दो मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता, क्या होगा? 50 जब जेल थोड़ी होने वाली है। एक बार जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं ऐसे ही नहीं खरीदते क्या? लो मैं समझाता हूं। आपने डाउन पेमेंट कर दिया, आपने कहा सुनो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम भी तो क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप समझते ही नहीं इस चीज को। आज लो क्या डेटा, कुछ भी समझ लो, 5 जून है, ठीक है ना, आपको एक प्रॉपर्टी पसंद है,
गए सेलर कि मैं बायर हूं, मेरे को खरीदनी है प्रॉपर्टी, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ो 10 लाख एडवांस, 3 महीने बाद आऊंगा, 90 लाख दे जाऊंगा, आप बेनामा रजिस्ट्री मेरे नाम कर देना। ये जो मैंने दिया 10 लाख, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बयाना, और जो लोग ज्यादा अंग्रेजी समझते हैं उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे दी मैंने और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अच्छा एक बात सुनो, मुकर दोनों में से कोई भी सकता है, पता है ना, कोई भी मुकर सकता है। बायर मुकर 10 लाख जब्त, सेलर मुकर गया 20 लाख, यही तो लिखा होता है सर, यही तो लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, और क्या लिखा होता है, ठीक है ना जी। तो लिखा होगा, क्या फर्क पड़ता है मुकर जब्त, आपने कहा ये पकड़ 50,000 कर ले जब्त, कुछ नहीं होता। अब आप क्या करोगे, स्पॉट मार्केट में जाओ, स्पॉट मार्केट क्या कहती है, बाय टुडे सेटल एट टुडे, ये पकड़ो 65 लाख, अभी ले आओ $1 लाख। सर 65 लाख आज दिए, 50,000 पुराने खत्म हो गए, जब्त हो गए, कुल मिलाकर आपको $1 लाख 65 लाख 50,000 के पड़े, यानी कि 65.50। और अगर मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते हैं ना, तो अभी 4.5 लाख की चोट लग गई थी, मैं 70 लाख देते पूरे। तो करते हो फॉरवर्ड मार्केट, दोनों यूज करते हो, क्या कोई दिक्कत आई, समझ आया हेजिंग फंक्शन क्या चीज है। लेकिन मुझे खाली इंपोर्टर के एंगल से नहीं समझाना, मैं एक्सपोर्टर के एंगल से भी समझाऊंगा, ठीक है जी। पहले बताओ ये बात समझ आएगी आपको, ठीक है जी। अब एक बात बताऊं, स्पेक्यूलेशन पर याद करो, जहां डिमांड में लिखा हुआ था। सर स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सट्टा, और ये सट्टा ही तो है। आप आज चले गए 1 अप्रैल को फॉरवर्ड मार्केट में, कहते हो $1 लाख मैंने खरीद दे, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी जो एक्चुअल है ही नहीं, जो 3 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद एक्चुअल बनेगी। आर्टिफिशियल डिमांड तो क्या ये स्पेक्यूलेटिव डिमांड नहीं है, क्या मैं क्लियर हूं इस वर्ड से, स्पेक्यूलेटिव डिमांड, ठीक है ना जी। पक्की बात, लिखवाने को वहां पे भी एक लाइन लिखवा देता, समझ क्या आता अगर समझाता ही ना तो, ठीक है ना जी। क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर, आप एक्सपोर्टर के एंगल से समझना बेटा सारी गेम। अच्छा एक बात बताओ, आज एक्सपोर्टर ने $1 लाख के गुड्स भेज दिए हैं फॉरन, ठीक है ना, और प्रॉमिस ये हुआ है आज 1 अप्रैल है, और डॉलर का दाम है बेटा $1.70 का चल रहा है। अगर आज आपके पास आ जाते तो आपको 70 लाख मिल जाते, $1 लाख आते, आप बेचते 70 के दाम पर, मिल जाते 70 लाख, पर आज आ नहीं रहे, क्योंकि बेटा वो जो पर्सन है इंपोर्टर है बेटा, उसने बोला कि मैं 3 महीने के बाद दूंगा 30 जून को, आपने कहा डन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज ही आप पहुंच गए फॉरवर्ड मार्केट, आपने कहा देख भाई ऐसा है $1 लाख सेल करे, एडवांस सेल करे, ट्रांजेक्शन टूडे सेटल एट फ्यूचर डेट, हम इसकी सेटलमेंट कब करेंगे, हम 30 जून को करेंगे, नहीं हो सकता, मुंह खुल के सबके क्या हो गया, सेलिंग पहले नहीं हो सकती, पर हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी एक प्रॉपर्टी की बात चल रही है कहीं, ठीक है ना, और मेरे पास सेलर भी एडवांस तैयार खड़ा है, कई बार ऐसा होता है मैं पहले ही बेच देता हूं, खरीदी भी नहीं होती और बाद में खरीदता हूं, सिर्फ कमाई देखने की जगह, वही तो कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, मुझे ये तो शॉर्ट ही है ना, $1 लाख आने वाले हैं, मैंने आज ही बेच दिया फॉरवर्ड मार्केट में, ट्रांजेक्शन टूडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट, कहता है आऊंगा 30 जून को $1 लाख दे जाऊंगा और अपना कैश ले जाऊंगा 70 लाख रुपए, ठीक है ना। उसने कहा इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टेक्निकल वर्ड इज ऑप्शन प्रीमियम, बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो वर्ड एक बार, टेक्निकल वर्ड इज ऑप्शन प्रीमियम, आपने इसके बदले में ऑप्शन प्रीमियम दिया 50,000 रुपए, ठीक है जी, ठीक है, एडवांस दे दिया। अच्छा एक्सपोर्टर को डर क्या सता रहा होगा, वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी, अरे भाई तुम कैसे समझाऊं तुम्हें, ये डर लग रहा होगा एक्सपोर्टर वैल्यू बढ़ेगी, तुम क्या क्या बंदे हो यार, सोचते क्यों नहीं हो तुम भाई, बढ़ेगी तो उसको तो फायदा ही होगा ना, डर क्या होगा उसको, वैल्यू गिरेगी। सर वैल्यू गिर गई एज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, वैल्यू आ गई 65, क्या आपको डरने की जरूरत है, स्पॉट मार्केट में दाम चल रहा है $1 का 65 रुपए, आपको डरने की जरूरत है,
स्पॉट मार्केट में बेचना है आपने, आपने तो फॉरवर्ड मार्केट में एडवांस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। आज आपके पास 30 जून को $1,00,000 आ गए, आप गए आपने बेच दिए, आ गए आपके पास 70,00,000। क्या ये आपका कुछ बिगाड़ पाया रेट गिरना? नहीं, बस बदले में होता क्या बेटा, आपके कुछ फंड ब्लॉक हो जाते हैं। 5,000 रुपये 3 महीने तक ब्लॉक जरूर रहे, लेकिन इस 50,000 नहीं, सारी सेफ्टी कर दी आपकी, ठीक है ना जी। पर ये थोड़ी समझाना है, समझाना तो ये है, मजेदार बात तो ये है, $1 का दाम स्पॉट मार्केट में 75 रुपये हो क्या? समझदार को इशारा काफी, डरने की जरूरत है अभी भी नहीं। आप कह दो फॉरवर्ड मार्केट में मैं नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट पूरा, क्या करेगा वो, 50,000 जब्त कर लेगा, करने दो, 5,00,000 का प्रॉफिट भी तो होगा इधर से, ठीक है ना जी। आप जाओ स्पॉट मार्केट में, ट्रांजैक्शन टुडे, सेटल्ड एट टुडे, आज ही देके आओ और आज ही ले आओ बेटा 75,00,000 रुपए। और जैसे ही आप 75,00,000 लाए, 50,000 का वहां आपने लॉस खा लिया, यानी कि बेटा सच मायने में आपने डॉलर 74.50 का बेचा, उससे तो बहुत बढ़िया है ना कि चले जाते स्पॉट मार्केट, चले जाते फॉरवर्ड मार्केट में 70 का ही बेचाते तो 70,00,000 मिलते, इससे बढ़िया 70,00,000 का 50 का लॉस ही तो हुआ, 4,500,000 तो नेट में आपने कमाए हैं। इसे हम बोलते हैं हेजिंग, हेज करना आपने रिस्क को कम करना। क्या चीज ये वाला पिछले वाला, ये वाला तो आप एक एक्सपोर्टर हो, $1 का दाम चल रहा है अभी 70 रुपये, आज 1 अप्रैल है, ठीक है जी बाबू। एक्सपोर्टर को डॉलर मिलता है वो बेचेगा, ठीक है, मिलना तो आज चाहिए था, $1,00,000 का आपने माल बेच दिया है, लेकिन वो आज नहीं मिल रहा, वो 30 जून को मिलेगा, ठीक है ना। आप पहुंच गए मार्केट में फॉरवर्ड मार्केट कि मैंने डॉलर सेल करे $1.70 के दाम पर, $1,00,000 सेल करे इन एडवांस, ट्रांजेक्शन आज कर ली, कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया आज, सेटल कब होगा ये 30 जून को का, के लिए आपने 50,000 रुपये एडवांस बयाना डाउन पेमेंट जो मर्जी कह लो, टेक्निकल वर्ड इज ऑप्शन प्रीमियम दे दिया, ठीक है जी। 50,000 देने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बाइंड हो गया बेटा, लीगल वैलिडिटी क्रिएट हो गई इसकी, ठीक है जी। अब हुआ क्या बेटा बाबू, वही हुआ जो आप सोच के बैठे थे, $1 कम हो गया, 65 का हो गया, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फॉरवर्ड मार्केट में सौदा हो रखा है आपका। आप फॉरवर्ड मार्केट में जाओ, क्या करोगे बेटा, फॉरवर्ड मार्केट में जाके अपने डॉलर को बेच दो, 70,00,000 रुपए ले आओ। क्या यहां पर आपको प्रोटेक्ट किया स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट ने? किया, प्रोटेक्शन प्राइसिंग है। पर मैं बोलता हूं अपोजिट सोच लो, डॉलर 75 का हो गया, सर अभी भी बचाएंगे आपको स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट? फॉरवर्ड मार्केट में कह दो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल करता, 50,000 आपके जब्त हो गए, यहां दाम कितना है 75, स्पॉट मार्केट में यही $1,00,000 बेच दो, 75,00,000 मिल गए, लेकिन 50 का लॉस हो गया, तो मेरे हिसाब से 74,50,000 मिल गए, यानी कि आपका $1 74.50 का बेका, 70 से बहुत ज्यादा। क्या यहां भी प्रोटेक्शन दिया आपको स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट ने? सर यही तो गेम है, इसी को तो हेजिंग बोलते हैं। और जो लोग हेजिंग नहीं करते, जो लोग चाहते हैं नहीं बस ये मैं 50,000 ब्लॉक नहीं कर सकता, उन्हें हम बोलते हैं ये इन्होंने नेकेड पोजीशन ले रखी है, और वो बाद में रोते बहुत हैं भाई, क्योंकि डॉलर का कुछ नहीं पता, ठीक है जी। सर क्या मैं क्लियर हूं? अच्छा एक बात बताओ, याद आया होगा इससे एक वर्ड, सप्लाई में लिखा हुआ है स्पेक्यूलेशन। सर मैं 1 अप्रैल को जाकर $1,00,000 की एक आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट करके आ रहा हूं जो 30 जून को होगी, मैंने कहा बेच दिए $1,00,000 बेच दिए, आज ही बेच दिए, 30 जून को आऊंगा सेटलमेंट करके जाऊंगा, तो सर मैं एक आर्टिफिशियल सप्लाई तो क्रिएट कर रहा हूं, एक स्पेक्यूलेटिव सप्लाई तो क्रिएट कर रहा हूं जिसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं है, 3 महीने तक तो कुछ भी एक्चुअल नहीं है ना, स्पेक्यूलेटिव सप्लाई तो है, ठीक है जी। सर अब बताओ जितनी मैंने बात बोली क्लियर है सबको, ठीक है ना जी, ओके बात। अब देखो वहां से दोनों बातें समझ में आ गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गए, उसके टाइप हो गए स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट, उसका एक फंक्शन हो गया हेजिंग, ठीक है ना जी। मैंने शायद 20 से 25 मिनट लगा ही दिए होंगे इस बात, ठीक है जी। अब छोटी छोटी दो बातें रह गई हैं, लो पढ़ो और चैप्टर खत्म करो बाबू। सेकेंड वन इज ट्रांसफर फंक्शन, लो जी।
अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का दूसरा फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन, कि ये फॉरेन एक्सचेंज में फंड बहुत तेजी से ट्रांसफर करता है, ठीक है ना बाबू? कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? यूज बिल ऑफ एक्सचेंज, यू मे यूज बैंक ड्राफ्ट, यू मे यूज टेलीफोनिक ट्रांसफर, लो जी सर सामने देखना सब, बेटा सुन लो, फॉरेन एक्सचेंज का दूसरा फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फंड ट्रांसफर करती है फॉरेक्स में, और उसके लिए तीन अलग अलग मेथड है, बिल ऑफ एक्सचेंज से कर सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हो, और बेटा टेलीफोनिक ट्रांसफर कर सकते हो। टेलीफोनिक ट्रांसफर कुछ और नहीं बेटा, आरटीजीएस और नेफ्ट को बोलते हैं, ठीक है ना? अब मैं आरटीजीएस और नेफ्ट पे कोई ज्ञान नहीं पेलना चाहता, ठीक है ना जी? ये ज्ञान पेल लूंगा किसी दिन, अभी इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग आने दो फिर पेल दूंगा, ठीक है ना? जिसको 11th में पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता मैं कुछ एक एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है जी? बाबू आप कोई पर्सन हो, ठीक है ना, जो बहुत शौकीन है बेटा बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है ना जी, और आपको सप्लीमेंट बाय करने हैं, कुछ प्रोटीन्स, कुछ मल्टीविटामिन्स, ऐसे कुछ सप्लीमेंट आप बाय कर रहे हो, ठीक है ना जी? तो आपने क्या किया बेटा, एक कोई भी कंपनी का नाम मैं नहीं बोल रहा, एक्स वाई जेड कंपनी की वेबसाइट खोल ली, अरे मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, एक्स वाई जेड लिमिटेड, हाँ मुझे पता है बहुत शौकीन बैठे हैं हमारे पास, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी की कोई हमने वेबसाइट खोल ली, और जो ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है बेटा, इट इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ यूएस, ठीक है ना जी? क्योंकि मोस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश ब्रांड इन प्रोटीन यूएस की ही कंपनी है, ठीक है ना जी? और ये काम आप डायरेक्टली इसलिए कर रहे हो, कहता तो आपका जिम कोच भी है कि मैं दिलवा देता हूँ, कहते आपके दोस्त यार भी बहुत हैं, पर डुप्लीकेसी का डर है, कमीशन मार्जिन का डर है आपको, तो आप डायरेक्टली बाय कर रहे हो फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है जी? और बेटा वहां पर दाम लिखाता है, कुछ भी बोल देता हूं मैं, कुछ ऐसे दाम लिखाया $152, ठीक है ना जी? अप्रॉक्सीमेटली कुछ लगभग 10,000 रुपए का, ठीक है ना, करंट वैल्यू, और आप पे करना चाहते हो। आपने क्या करा बेटा, सारी डिटेल फिल कर दी, पेमेंट ऑप्शन में गए, उसने पूछा कैसे पेमेंट, आपने कहा कार्ड से पेमेंट, आपने अपने कार्ड की डिटेल डाली और पेमेंट कट गई, और आपके पास से पेमेंट कटी ऐसे 152 मल्टीप्लाइड बाय 77.75 जो आज का डॉलर का दाम था, और बेटा उस पर्सन के अकाउंट में जो क्रेडिट हुई वो डॉलर्स में ही हुई। ऐसी कौन सी हवा आ गई कि यहां कटे INR में, वहां पहुंच के डॉलर में? सर आपके बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन परफॉर्म कर दिया और आपको पता भी नहीं लगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, आपके बिहाफ पर बाय भी कर दी और उसके बिहाफ पर सेल भी कर दी, उसके उसके खाते में डॉलर में ही पहुंचे और आपके खाते से कटे INR में ही बेटा, और प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर होने का भी कहीं ना कहीं मैसेज आ गया आपके पास कि आपकी डिलीवरी कंफर्म कर दी गई है और हो जाएगा 2-4 बिजनेस डे में डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। सर इसे बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, और ये कुछ और नहीं, ये टेलीफोनिक ट्रांसफर हुआ। सर बहुत सारी वेबसाइट हैं जो मुझे रेट जो देती हैं वो डॉलर्स में देती हैं, और मैं बाय कर सकता हूं, INR में कट जाता है पैसा, वहां डॉलर में पहुंच जाता है, बहुत तेजी से मेरा बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना? क्या मैं क्लियर हूं? सर एक आध एग्जांपल इस पर भी दे देता हूं। लेट सपोज बेटा आप चाइना से कोई गुड्स खरीदना चाहते हो, आपने बेटा सैंपल मंगा लिया ऑन योर मेल, ऑन योर व्हाट्सएप, ठीक है ना, सैंपल आ गए, आपको सैंपल इनिशियली पसंद आए, आपने ठीक है मैं पेमेंट तो कर दूंगा लेकिन एक बार मैं फिजिकली देखना चाहता हूँ, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, मैं बहुत मोटी अमाउंट का ही बाय करूंगा एक ही बार में। तो आपने चाइना का टिकट करा लिया, लेकिन जहाँ से आप अपने बैंक में गए और अपने बैंक में जहाँ पर भी आपका करंट अकाउंट था, आपने उनको कहा कि मुझे बैंक ड्राफ्ट चाहिए, मुझे एक DD चाहिए, लेकिन ये DD चाइनीज करेंसी में होगा या डॉलर्स में होगा, आप इतने लाख डॉलर का एक DD बनाकर दे दो, मेरे करंट अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लो। सर बैंक ड्राफ्ट बन गया और उतने लाख DD का, 1,00,000 DD का लेट सपोज आपको उन्होंने बेटा एक प्रूफ दे दिया, ठीक है जी?
आप फ्लाइट पकड़कर चाइना पहुंचे, आपने सैंपल देखे अपने सामने, आपने गुड्स पैक कराया, वेसल पे गुड्स आपने लोड कराया और आप अब फ्लाइट पकड़कर वापस आने वाले हो। आपने बेटा उस एक्सपोर्टर को जिससे आपने सामान खरीदा है, उसने आपको ये डीडी दे दिया और ये बेटा जैसे ही वो अपने अकाउंट में लगाएगा, चाइनीज करेंसी उसके पास क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट हो जाएगी, उधर उधर से INR डिडक्ट हो जाएंगे। तो सर इस तेजी से हमारे बैंक काम करते हैं बेटा, ट्रांसफर फंक्शन, फंड ट्रांसफर का काम करते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। क्या बैंक के फंक्शन नहीं बढ़ रखे आपने? ट्रांसफर फंक्शन क्लास 11th फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज 4th फंक्शन यही होता था, ट्रांसफर फंक्शन की फंड ट्रांसफर करता है। बस वहां क्या होता था बेटा, INR सही कटेगा, INR में ही पहुंचेगा। यहां क्या होता है बेटा, INR में कटेगा, फॉरेन करेंसी में पहुंचेगा। कर तो अभी भी ट्रांसफर ही रहे हैं, जो जो वहां तरीके थे वही वही तरीके यहां पर हैं, कुछ बदल थोड़ी गया बेटा। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? पक्की बात, बढ़े आगे। चलो सर एक लास्ट बात, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट मतलब उधारी। क्या बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी उधार चलता है? एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट प्रोसीजर अगर किसी को याद हो तो एक बारी में दिमाग में बोल देता हूं, यूसांस ड्राफ्ट। अगर किसी को याद हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है ना, यूसांस ड्राफ्ट, जिन टीचर्स ने कटवा दिया था बेटा, उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूं उन बच्चों को, ठीक है ना जी। बाबू सुनना एक बार, अच्छा ये बात पता है बहुत सारे बच्चों को, LC क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको जिसको पता है एक मिनट हैंड रेस करना, जिसको जिसको पता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। इसलिए बहुत छाती छोड़ी हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं 11th में इतना ट्रेन कर देता हूँ आपको कि 12th तक तो ऐसी कोई नौबत ही ना आ जाए कि आपको कोई तंग कर दे। लो खैर मैं समझाता हूँ बेटा, अब फटाफट से समझेंगे क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ 10 मिनट है बेटा, मुझे चैप्टर आज ही वाइंड अप करना है, ठीक है ना जी। मैं थोड़ा तेजी से बोलूंगा, सुनना बेटा। ये कोई पर्सन है यहाँ पर मिस्टर ई जो गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता है, और यहाँ का कोई पर्सन मिस्टर आई गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है, ठीक है ना बाबू। एक सोचने का मुद्दा बड़ा अराइज होता है कि पहले वहां से गुड्स चलेंगे या पहले यहाँ से पैसे चलेंगे। आई ने ई को कहा, ई तू फटाफट वहां से गुड्स चला, जैसे इंडिया रिसीव होते हैं मैं पैसे देता हूँ। ई कह रहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पहले पैसे दे दे, जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं मैं यहाँ से गुड्स चलाता हूँ। कह रहा क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, पहले गुड्स तू चला, जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कह रहा मैं नहीं मानता इस बात को, पहले तू पैसे जमा करा, जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं गुड्स चलाऊंगा। क्या होना चाहिए पहले, गुड्स या पैसे? बस ऐसे नहीं होता ना, यही तो बात है ना सर, ऐसे नहीं होता। पहले LC बनेगी ना, तो पहले पैसे चलते ना ही पहले गुड्स चलते, पहले एक सिक्योरिटी क्रिएट होती है बीच में। सुनना बाबू, आई ने पूछा, बस अब सुनते रहो बेटा काम की बात। गॉट हैंडशेक यार, रोज की मुसीबत होगी। एक मिनट यार, मेरे को इसको शट डाउन करके खोलना पड़ेगा। कार्तिक मिनट बोल लो बेटा, सामने देखना बाबू। अब हुआ क्या, मिस्टर आई ने इसे पूछा, ये बता आपके रेजिडेंस, आपके बिजनेस प्रेमाइसिस के आसपास कोई इंडियन बैंक है? तो मिस्टर ई ने बोला हाँ SBI है, ठीक है ना SBI। हाँ लंच टाइम है वैसे अभी तो बाबू। क्या SBI की फॉरेन ब्रांचेस हैं? सर हैं, एक लौता इंडियन बैंक है ऐसा जिसकी सबसे ज़्यादा फॉरेन ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। तो आई गया SBI किसी भी सिटी का समझ लो, लेट्स सपोज ये दिल्ली रहता है, तो ये गया SBI दिल्ली में, इसने एक अकाउंट खुलवाया। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट नोन एज LC। LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। इस अकाउंट की ब्यूटी ये है बेटा, एक बार इस अकाउंट में पैसे जमा हुए तो आपका विड्रॉल का राइट खत्म, बस जमा करा सकते हो, निकालने का कोई राइट नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा जैसे ही इसने LC खुलवाई, SBI दिल्ली ने SBI US में गारंटी दे डाली कि पैसे मेरे पास हैं, पैसे मैं दूंगा, आप अपने कस्टमर अपने क्लाइंट को बोलो कि वो गुड्स USA से चलान करके हम एक रसीद दे दें। उस रसीद का नाम होता है बिल ऑफ लेडिंग, या बिल ऑफ लेडिंग हमें दे दो, पैसे मैं दूंगा।
तो सर इंसान की गारंटी बिल ऑफ लेडिंग, LADING, ठीक है जी। सर इंसान की गारंटी वैलिड नहीं है, बैंक की गारंटी तो वैलिड है, ठीक है ना। एक बैंक ने दूसरे बैंक को गारंटी दे दी, SBI ने उठा के ई को गारंटी दे डाली कि ई जिस दिन तो गुड्स चला के आ जाएगा मेरे पास, ले जाइयो मेरे पास पैसे पड़े हैं मैं दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिखित गारंटी दे दी। ई को श्योरिटी मिल गई कि बैंक तो कहीं नहीं भागने वाला, ठीक है ना जी। इंसान की गारंटी फेल हो सकती है, बैंक गारंटी तो फेल नहीं होती। आपको बताता हूँ नीरव मोदी का फ्रॉड भी बैंक गारंटी की वजह से हुआ था, मैंने 11th क्लास में फ्रॉड भी बताया था, चलो खैर लेट इट बी, ठीक है ना जी। तो बैंक की गारंटी तो फेल नहीं होती यार, बोल लो फटाफट से, ओके है ना बात। तो बेटा ई ने क्या करा, गुड्स वेसल पर बुक करा दिए, वेसल इसको जैसे ही आप गुड्स रखवाते हो कोई तो रसीद देता होगा कि गुड्स आपके हैं, उस रसीद का नाम है बिल ऑफ लेडिंग। वैसल ने रसीद दे दी ई को, ई गया SBI USA के पास कि ये रही रसीद, लाओ फटाफट से पैसे दो। उसने कहा सर 10 मिनट बैठो। SBI ने एक मेल करी यहां से यहां, डॉक्यूमेंट पहुंचा SBI इंडिया दिल्ली, उसने बेटा हाथों हाथ फंड रिलीज कर दिए क्योंकि पता लग गया, प्रूफ मिल गया कि गुड्स चल चुके, ठीक है ना जी। पैसे पहुंचे यहां, पैसे दे दिए आपने ई को, ये कहानी खत्म। ये डॉक्यूमेंट यहां पर आ गया बिल ऑफ लेडिंग, इसने दिया आई को बुलाकर, ये रहा आपका बिल ऑफ लेडिंग। आई जाएगा पोर्ट पर, बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा कि ये मेरे गुड्स हैं, ये मुझे बिलोंग करते हैं, और बेटा गुड्स क्लियर कराकर ले आएगा। दिस इज द फुल चेन, समझ में आया कैसे चलता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन बेटा फिर मेरे को तो अभी कुछ और समझाना था, मैं तो क्रेडिट फंक्शन समझा रहा था, उधार है इसमें, अब आएगा उधार। बेटा उधार चाहे हो, बैंक इन्वॉल्वमेंट एज इट इज। अब हुआ क्या, इस बार LC नहीं बनी भी, ई और आई के संबंध आपस में ठीक है, LC नहीं बनी, लेकिन बैंक की इन्वॉल्वमेंट एज इट इज है। सुनो, ई ने क्या करा, वेसल पर गुड्स बुक कराए, वेसल ने दिया बिल ऑफ लेडिंग, अब प्रूफ ऑफ ऑनरशिप की आप इसके मालिक हो, ये गुड्स इंडिया जा रहे हैं, ठीक है जी। बिल ऑफ लेडिंग साथ ही साथ ई ने इस बार बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं यूसांस ड्राफ्ट, यूसांस ड्राफ्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया और साथ ही साथ बिल ऑफ लेडिंग दिया SBI US को। SBI US ने बेटा ये भेजा SBI इंडिया, और SBI इंडिया इसको बिल ऑफ लेडिंग नहीं देगा, पहले देगा बिल ऑफ एक्सचेंज कि पढ़ लो, साइन कर दो तो देता हूं बिल ऑफ लेडिंग, वरना बिल ऑफ लेडिंग भी नहीं देता। उसमें क्या लिखा होता है यूसांस ड्राफ्ट में, कि आपने इससे उधार लिया, कितने दिन का लिया है, और इतने दिन बाद आप पेमेंट करोगे, अगर नहीं करते हर इंडियन कोर्ट में उसके पास राइट आ जाएगा आपके ऊपर केस करने का, ब्ला 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 सारी शर्त, ठीक है जी। अगर बिल ऑफ लेडिंग ही दे दे पहले तो कहानी खत्म होगी, ऑनरशिप ही चली गई। बेटा बिल ऑफ लेडिंग नहीं देगा SBI, पहले यूसांस ड्राफ्ट रखेगा उसके सामने, जैसे ही वो सिग्नेचर कर देगा वैसे ही इसको बिल ऑफ लेडिंग दे देगा, ठीक है ना। ये भी बता देता हूं, मैक्सिमम 90 दिन का उधार हो सकता है, 91 दिन जेल हो जाती है, ठीक है ना जी। मैक्सिमम 90 दिन का उधार है, बस 90 दिन गिनती के, ठीक है जी। अब हुआ क्या बेटा, SBI के पास साइंड कॉपी आ गई यूसांस ड्राफ्ट की, SBI ने दोबारा यहां भेज दी, दोबारा ई को मिल गई, ई के पास आ गया यूसांस ड्राफ्ट साइन हुआ हुआ, और इसके पास आ गया बिल ऑफ लेडिंग, इसने गुड्स क्लियर करा लिए, यूज कर रहा है, बेच रहा है, 90 दिन के बाद ये यहां से यहां पेमेंट भिजवा देगा SBI to SBI, और बाद में SBI ई को दे देगा। ये उधार है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है ना। खतरनाक तो है भाई, अगर पहली बार सुन रहे हो, अगर 10वीं 15वीं बार सुन रहे हो तो इजी बहुत है, ठीक है ना, मार्केट ऐसे चलती है, ठीक है जी, क्लियर है बात, बढ़ जाए आगे। चलो खत्म हो गया मेरी तरफ से चैप्टर, लेकिन एक बात बताता हूं अभी आपको एक्स्ट्रा बात में, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।